नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में विजयादशमी पर्व पर हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी शहर में निकलने वाले दो प्रमुख अखाड़ा जगदीश हनुमान दल अखाड़ा पुरानी कोतवाली व श्री बजरंग दल गोला दल अखाड़ा गला मंडी का मुकाबला आसिफगंज स्थित दामोदर भवन के पास प्राचीन परंपरागत तरीके से हुआ। इस दौरान अखाड़े के कलाकार तरह तरह के हैरत अंगेज करतब दिखाए। करतब के दौरान प्राचीन युद्ध के दौरान प्रयोग किए जाने वाले अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन देख मौजूद लोगों ने अपने दांतों तले उंगली दबा लिए। विजयदशमी को श्री बजरंग दल गोला दल अखाड़ा देर शाम को चौक पर अपना प्रदर्शन करके अपने तय मार्गों से होते हुए तड़के दामोदर भवन के पास पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ से जगदीश जी हनुमान दल अखाड़ा पुरानी कोतवाली देर रात को शहर के मुख्य चौराहों पर चौक पर पहुंचकर अखाड़े कलाकारों ने अपने कर्तव्य दिखाए। इसके पश्चात वह लौटकर दामोदर भवन के पास दूसरे दल के अखाड़े की प्रतीक्षा किए। तड़के श्री बजरंग दल अखाड़ा अपने निश्चित स्थान पर पहुंचे। इसके बाद भी श्री जगदीश श्री हनुमान दल अखाड़ा के कलाकारों ने इससे बढ़कर एक कर्तव्य दिखाए। इसमें प्राचीन युद्ध के दौरान प्रयोग किए जाने वाले शस्त्र अस्त्र का प्रदर्शन किया गया। इसमें मुख्य रूप से बनेठी गत्ता फरी तलवार सच्चा बना बल्लम पट्टा का जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शन देख मौजूद लोगों ने अपने दांतों तले उंगली दबा लिए। दशहरे के उपलक्ष्य में यह हर साल अखाड़ा होता है, क्या है इसमें पूरा? मैं अभिषेक जायसवाल दीन हूँ, समाज सेवी। ये प्रतिवर्ष की भांति आज सैकड़ों वर्ष से आजमगढ़ में अखाड़े का मुकाबला होता है। इसमें दो अखाड़े होते हैं, पहला बजरंग अखाड़ा है, बजरंग दल अखाड़ा त्रिवेणी उस्ताद का, दूसरा जो है फकीर उस्ताद का अखाड़ा है। और इन दोनों अखाड़ों में जो है कि अपने अपने मोहल्लों में प्रदर्शन दिखाते हैं अपने एरिया में। फिर इसके बाद विजयदशमी के पर्व पर काल में जो है कि शहर के मध्य में इनकी प्रतिस्पर्धा होती है, जिसमें दोनों पक्षों से अलग अलग कर्तव्य दिखाए जाते हैं। इसमें जो जिसका कर्तव्य अच्छा होता है उसे पुरस्कार से नवाजा जाता है। और हमारा यह मानना है कि एक तरीके से सामाजिक वर्ग में अपने सशक्तिकरण का, अपने ताकत का ये हमारी परंपरा रही है विजयदशमी के पर्व पर, और इसका निर्वाह करके आज भी लोग आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और इन दोनों अखाड़ों के कंपटीशन में लगभग पारंपरिक तरीके से दोनों को ही विजयी घोषित किया जाता है, दोनों बराबरी का दिया जाता है, क्योंकि यह इसका उद्देश्य मुकाबले का सिर्फ अपने अंदर शक्ति प्रदर्शन की, अपने अंदर ताकत की, अपने अंदर तलवारबाजी की, लठबाजी की कला सीखने का रहता है, ना कि इसका प्रयोग करने का रहता है। इस प्रतिमे से ये कला तो लोग दिखाते हैं, लेकिन एक तरीके से मान जाए सब में एकता है, सब लोग भारत में रहने वाले हैं, लेकिन आगे सब लोग को मिला करके हम लोग दोनों को एक बराबर का दर्जा देते हैं। आपसी सौहार्द के बाद अखाड़े का समापन किया।